ये जगह मेरी फेवरेट है और वहाँ पर जो गार्डन है ना वो तो बहुत सुंदर है। नो नो इट्स ओके, ये लो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है और ये चक्कर देखो तुम्हें पसंद आएगी। अरे अभी तो बहुत कुछ है। हाय ये नितिन है। हाय हाय हाउ आर यू। एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ पापा। और बेटे कैसे हो? आई एम फाइन ठीक हूँ। ला मुझे दो, तू ठीक है ना? बाय। नंदिनी और कोई नहीं, आपके नातिन है। देखिए सर, मान जाइए ना प्लीज सर। आपको और आपकी बेटी को मिलाने के लिए नंदिनी इंडिया आकर आपके करीब आ गई। वो सर आपका पेंट हाउस खाली पड़ा है ना, बहुत मुश्किलें झेलकर आपको यहाँ तक लेकर आई है सर। अरे, we are flying to Europe। लेकिन वो नितिन आपका फायदा उठाकर नंदिनी को ब्लैकमेल करके टॉर्चर कर रहा था। मूर्ति अंकल कहाँ है? तुम्हारे नाना ना किडनैप कर लिया उन्हें, अभी उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से यहाँ आया हूँ सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह से तोड़ूं। अब उसने खुद घर पे इनवाइट किया है। आप अपने बेटे से भले ही मत मिलिए सर, पर अपने नातिन की जिंदगी बर्बाद करने का कारण आप मत बनिए सर। तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना पोता मान लिया था, तुम तो धोखेबाज निकले। क्या है ये? बाप और बेटी को मिलाने के लिए बेचारी नंदिनी तड़प रही थी, लेकिन तुम तो मुझे दूर करके और उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। छी छी, तुम तो इंसान ही नहीं हो। लेकिन मैं उस लड़की के आंसुओं को, तुम्हारी गंदी सोच को इसके बताने तक नहीं समझ पाया। गलती मेरी थी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैंने गलती की जो तुम्हें इतना सम्मान दिया, तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मन मुटाव तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तू हमें अलग करना चाहता था तो ले अब कान खोल कर सुन, यह नंदिनी मेरी नातिन है और इसे देख, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है। अब मेरे परिवार को आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। चला जा यहां से, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। चल लफंगा कहीं का, मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि इसे यहीं दफना दूं। इतने साल बाद अपने परिवार से मिल रहा हूं, इस वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। वरना मैं परिवार से मिलना है तो मिल लीजिए ना, रोका किसने? हे भगवान, आपका दिया हुआ मुंह आपकी दी हुई अकड़, अब और रोका नहीं जाता मुझसे। अभी मेरे प्लान के हिसाब से काम होते ही मुझे चले जाना चाहिए था, मुंह बंद करके जा रहा था, लेकिन मेरी क्लास लेते वक्त आप अपने आप को बड़े विवेकानंद समझ रहे हैं, आग निकल रही है, अब सहा नहीं जाता, बस बहुत हो गया। थोड़ा सा ही बोलूंगा, गुरुजी आपको भले ही बुरा लगे लेकिन आपके नितिन की इस हालत की वजह आप नहीं है। बदतमीज, मुझ पर इल्जाम लगाता है। आप महसूस कर रहे हैं वो अहंकार है, पर मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है। मैंने ना समझो जैसा बर्ताव किया, ऊपर से आपका फायदा उठाया, आपको सहा नहीं गया, तो आज आप सबको मेरी बेटी मेरी नातिन कहते फिर रहे हैं।
सपोज, जस्ट सपोज, आपकी नातिन जो मुश्किलें झेल रही है, आपकी बेटी कितनी दुखी है ये जानकर मूर्ति जी आप इनके परिवार से जुड़ जाइए, ऐसा कहता तो आप जुड़ जाते क्या? वैसे भी वो टॉपिक निकाला तो आपने मेरे हाथ काटे थे, याद है ना? साइलेंस। ठीक है, आपको एक ब्रेक देकर आपकी बेटी से पूछता हूं। तो बताइए डॉटर ऑफ मूर्ति जी, इतने सालों बाद आप अपने पिताजी के पास जाकर बात करती तो वो पिघल जाते, ये भरोसा था आपको? यहां भी साइलेंस। ठीक है, मूर्ति जी की नातिन से ही पूछते हैं। नंदिनी जी, आप बताइए, आप तो लोगों के इमोशन से खेलने में एक्सपर्ट हैं, पर आपने भी अपने नाना जी का जुल्म चुपचाप सह लिया, उसकी वजह आपके नाना जी का गुस्सा, अकड़ और गुरूर नहीं है? कम ऑन, 50-50, फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल, कुछ तो जवाब दीजिए। साइलेंस। ये साइलेंस सबको समझ में आ रहा है ना? असली प्रॉब्लम ये है कि लाइफ शांति से चले तो बोरिंग है, इसीलिए अकड़ गुस्से के नाम से झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। कोई मिलाने की कोशिश करे तो और भी ज्यादा झगड़ते, पर अगर किसी ने बीच में आकर छेड़ दिया तब स्टार्ट होती है यूनिटी। यस, यही इसका प्रूफ है। मूर्ति जी, फर्स्ट मीटिंग याद है? ट्रेन में सेम टेक्निक, वहाँ चोर बना था, यहाँ बेवकूफ बना, और बेवकूफ बनकर नंदिनी को उलझा कर मैंने एक प्लान बनाया, उसके जरिए आपको सब पता चल गया, और आखिर में देखिए क्या हुआ, आप लोग हम साथ साथ हैं और मैं हम आपके हैं कौन। नंदिनी, अपनी माँ और अपने नाना को मिलाना गलत नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब वो नाना कैसा है, बात सुनेगा या नहीं, ये जाने बिना तुमने प्लान बनाया और जो भी मिलता गया उसके इमोशन से खेलती गई। फैमिली क्या सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं? गुस्सा तो आएगा ना। तब आखिर में मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक इंडिया में बैठकर रोना या यहाँ आकर रुलाना। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, क्या करूँ, बर्थ डिफेक्ट है और इसीलिए मैं यहाँ। ओहो, टीजिंग के लिए आए थे ना, तो इस फैमिली को मिलाने के लिए इतने बुरे क्यों बन गए सर? हॉस्पिटल में मेरे प्लान में फंस गए थे ना, तो सोचा था तुम बेवकूफ हो, पर अच्छा सवाल पूछा। मेरी आदत है। बस प्रॉब्लम ये है, जब सवाल पसंद आता है तो जवाब नहीं देता है, जब गुस्सा आता है तभी देता हूँ। मतलब नंदिनी से अभी भी प्यार करते हो ना? ये हुआ ना मुझे गुस्सा दिलाने वाला सवाल, तो जवाब सुन, I hate her। I hate her। आप बताइए, आप तो लोगों के इमोशन से खेलने में एक्सपर्ट हैं, पर आपने भी अपने नाना जी का जुल्म चुपचाप सह लिया, उसकी वजह आपके नाना जी का गुस्सा, अकड़ और गुरूर नहीं है? Hi dear, nice to see you. मुझे पहचाना? Sorry. मैं पिछले हफ्ते आपको इसी चर्च के पास मिला था, वही पेंटिंग। आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? He's not my boyfriend. He hates me. क्या बोल रही हो, वो तुमसे नफरत करता है? Yes. No way. कुछ तो गलत हुआ है, मेरे साथ आओ। This is my personal art gallery. एक आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया के अद्भुत पेंटिंग को कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। सिर्फ फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स ही नहीं, कुछ अच्छे पेंटिंग्स भी अपने पास छुपा कर रखे हैं मैंने। अगर तुम इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा इसके अंदर कितनी गहराई छुपी हुई है। परफेक्ट कैसे बनाते हो? अगर दिल में प्यार हो ना तो खुद बन जाती है।
Yes, madam. Is there Mr. Nitin in room number 1002? I'm sorry, he just checked out. मेरे धोखा देने पर भी मेरे लिए तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? तुमने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्यार किया है। प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, सिर्फ प्यार देना होता है। यही तो प्यार का मतलब है। मुझे लगा जो काम तुमसे पूरा नहीं होगा उसे मैं पूरा कर दूं, बस यही। अगर सच में प्यार देना जानते हो तो आई हेट यू क्यों कहा? जब प्यार जाहिर किया तब भरोसा नहीं किया, आई हेट यू कहा तो भरोसा कर लिया। Because I love you. हॉस्पिटल से जब से तुम मेरे घर पर आए हो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया। अब इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो।